Hello students, this is Sachin Rodi on behalf of Be Educare, and I am back with your daily dose of current affairs. Today we will discuss the current affair topics for 2nd June 2021. So let's get started. First current affair, Vice Admiral Ravneet Singh is appointed as Deputy Chief of Naval Staff. So Navy ke Deputy Chief appoint kar diye gaye hain, Vice Admiral Ravneet Singh. Inhone charge liya कल यानी कि 1 जून 2021 से, और इनके पहले डेप्यूटी चीफ थे वाइस एडमिरल मुरलीधर सदाशिव पवार, उनको ये सक्सीड कर रहे हैं। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ऑन जून 1 2021 टुक चार्ज एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ही सक्सीड्स वाइस एडमिरल मुरलीधर सदाशिव पवार। रवनीत सिंह वॉज कमीशन इन टू द इंडियन नेवी इन 1983 एंड ही स्पेशलाइज इन एविएशन। He has held various challenging command and diplomatic assignments. Next, DCGI, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव वेव ऑफ कर दिया है पोस्ट अप्रूवल ब्रिजिंग ट्रायल, यानी कि मॉडर्ना और फाइजर जब भारत आएगी तो उसके बाद जो ट्रायल्स होने हैं उनके ऊपर, उसको उन्होंने वेव कर दिया है कि अब वो कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है, ताकि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन मिल सके। The Drug Controller General of India has decided to waive off the requirement of conducting post-approval bridging trials of the COVID-19 vaccine by foreign companies. The exemptions will be given to those who have the permissions from the regulators or the health bodies of other countries such as the United Kingdom, United States of America, Japan, EMA, etc. अगली खबर, NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उनके चेयरमैन चुने गए हैं अरुण कुमार मिश्रा, जो कि रिटायर्ड जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। द रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अरुण कुमार मिश्रा हैज टेकन चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ही रिटायर्ड फ्रॉम द एपेक्स कोर्ट इन सितंबर 2020। मिश्रा वॉज अपॉइंटेड बाई द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन पैनल कंप्राइजिंग ऑफ पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह अमंगस्ट अदर्स। अगली खबर, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना की दूसरी वैक्सीन, पहली वैक्सीन जो थी सिनोफार्म, उसको तो ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। अब चाइना की एक और कोविड-19 वैक्सीन है जिसका नाम है सिनोवैक, उसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया। WHO हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू सिनोवैक, अ कोविड-19 वैक्सीन ऑफ चाइना फॉर इमरजेंसी यूज। Sinovac is the second Chinese vaccine to receive approval after Sinopharm. China's Sinovac has become the 8th vaccine to receive the emergency use listing by the global health body. And आखिरी खबर, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने आज बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, हेल्थ मिनिस्टर डिस्क्रिशनरी ग्रांट, ये सब जो है NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की जो IT प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट, उसमें लॉन्च कर दी, उसको पूरा रिवैम्प करके उसमें लॉन्च किया। द हेल्थ मिनिस्टर हैज लॉन्च द डिजिटाइज्ड वर्जन ऑफ द हेल्थ स्कीम्स ऑन द IT प्लेटफॉर्म ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। द स्टेप हैज बीन टेकन टू मेक द स्कीम्स कैशलेस, पेपरलेस एंड सिटीजन सेंट्रिक। इससे क्या होगा, जो स्कीम्स है ये कैशलेस हो जाएंगी, पेपरलेस हो जाएंगी, और जो सिटीजन सेंट्रिक है यानी कि नागरिकों के हित में ये स्कीम्स आएंगी। The initiative will assist in the smooth delivery of the government's healthcare services to the eligible beneficiaries. So that's it for today. I will see you guys soon with more current affairs topics. Till then, keep reading, keep studying, and keep learning. This is Sachin Dodi on behalf of Be Educare, signing off. Stay home, stay safe.